अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार सबको। आज यार मैं ऑनलाइन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, चाय की दुकान हो, पान की गोमती हो, सब्जी दुकान हो, दूध हो, जहाँ देखता हूँ लोग ऐसे 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया, अब पता नेटवर्क गायब हो गया, पैसे नहीं आ रहा है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग से बस यही निवेदन है भाई साहब, आप 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया 50 रुपया कैश लेके चलिए। दुकानदार भी आपका इंतजार करे, अगर कस्टमर को भी इंतजार करवाए, काहे लिए ऐसा काम कर रहे हैं भाई लोग आप लोग। अरे यार ऑनलाइन पेमेंट करिए, किसी ने मना नहीं किया है। ऑनलाइन पेमेंट 1,000 रुपया हो 2,000 हो 10,000 हो 5,000 हो वो करिए। अब आप लोग 10 रुपये 5 रुपये, अरे यार बैंक भी ट्रांजेक्शन जोड़ रहा है, उस ट्रांजेक्शन का चार्ज भी लगता है, बैंक वसूली भी करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। आप जहाँ देखिए वही 5 रुपये चाय पी लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, 10 रुपये सिगरेट पी रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं। अरे भाई दोस्त, यही तो समझाना चाहता हूँ भाई साहब, आप लोग 10-10 5-5 रुपये ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको लगता बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं है, बुरा मत मानिएगा आप लोग। इसलिए कि भाई साहब जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं, बैंक इसका चार्ज जोड़ता है भाई। हर महीने आप पासबुक जब प्रिंट करवाने जाएंगे तो प्रिंट में आपका वो सारा ट्रांजेक्शन दिखाएगा, तो बैंक उससे चार्ज आपका वसूलेगा नहीं भाई। जो कॉपी में इसमें प्रिंट हो रहा है उसका चार्ज बैंक वसूलेगा, उसके बाद बैंक धीरे से सर्विस चार्ज भी लगा देगा उसी पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाई साहब जब जरूरत हो, इमरजेंसी हो, तब आप पेमेंट करिए ऑनलाइन। कोशिश ये करें कि 1,000-2,000 से नीचे पेमेंट करना ही नहीं है, या 5,000 की पेमेंट करना ही नहीं है, 1,000 से नीचे पेमेंट नहीं करना, ये सोचिए, कोशिश करिए। अब आप लोग नहीं भी देखता हूँ मैं 10 रुपये 5 रुपये, बड़ा खराब लगता है भाई, माफी चाहता हूँ मगर बड़ा ऊब गया उससे मैं, और इसमें स्कैम भी होने लगा है। अब किसी को भाई 10 रुपये करना, आपने 10 रुपये कर दिया, उसको दिखा दिया मैसेज, चले गया, अगले बार पेमेंट नहीं आया, स्कैम भी इससे बढ़ रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़ा अमाउंट हो उस पर आप इमरजेंसी में आप उसको यूज करें, बाकी 10 रुपये 5 रुपये 15 रुपये 50 रुपये 100 रुपये अवॉइड करें, कैश लेके चलें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई साहब, बहुत दिन से बड़ी गुस्सा आ रही थी, बड़ा उलझन सी हो रही थी कि ऑनलाइन पेमेंट से मैं परेशान हो चुका हूँ। कुछ लोग तो आते भैया 50 रुपये कैश दे देते, ऑनलाइन कर दे रहा हूँ, ये भी खराब लगता है, अब उसको मना भी कैसे मैं करूँ भाई। हो सकता मेरा कस्टमर ही हो, कोई कहा यार भाई 50 रुपये नहीं दे पाए आप, सॉरी चाहता हूँ भाई, बहुत माफ़ी चाहता हूँ मगर बहुत बुरा लगता है भाई, आप लोग कैश लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, माफ़ी चाहता हूँ भाई, ठीक है भाई।